बक्सर पुलिस ने जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर भरियार ओपी थाने में अफीम की खेती का भांडाफोड़ किया है। पुलिस की टीम ने करोड़ों के अफीम की खेती को नष्ट कर दिया है। मामला चक्की प्रखंड के सोमारू डेरा सोमाली मौजा का है, जहां गंगा के तटीय इलाके में अफीम की खुलेआम खेती की जा रही थी। इस मामले की सूचना जैसे ही पुलिस प्रशासन को हुई, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए अफीम की फसलों को नष्ट कर दिया और फसल की रखवाली कर रहे एक किसान को हिरासत में ले लिया। वहीं इस मामले पर बक्सर के एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि अफीम की खेती को छुपाने के लिए उत्पादकों ने चारों तरफ से सरसों और सब्जी की खेती कर रखी थी, ताकि दूर से देखने पर पता नहीं चले। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर किसी सफेद पोश की मिलीभगत होगी तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इलाका कहा जाता है? एक्चुअली ये दियारा इलाका है और इसमें छिपा के हो रहा था। इसके चारों तरफ सरसों के पौधे लगे हुए हैं और उनके बीच में ये अफीम की खेती की जा रही थी। लोगों को झूठी झूठी बातें बताई गई थी इसके बारे में, एक उत्तम किस्म के बादाम की फसल के बारे में बताई गई थी और लोग इसी भ्रम में थे। लेकिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली, उसके आधार पर कार्रवाई की गई और उसके आधार पर अब नतीजा सामने। सैकड़ों एकड़ में लगे हुए हैं ये फसल से। अभी जो पुलिस को सामने मिली है और सीओ साहब भी यहाँ पे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अभी लगभग 20-25 एकड़ में है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या नष्ट किया जाएगा सर? हाँ, नष्ट कराया जाएगा और जो भी इसको उसके उत्पादक हैं और इसके ऑनर हैं, दोनों पे केस दर्ज। नशीले पदार्थ खासकर अफीम रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है, इसका प्रोडक्शन कहीं नहीं हो पाता है सर। आखिर इस तरह की खेतों में इस फसल का उपज करना क्या लगता है? उत्पादक लोग जो धन के लोभ में या इसके कारोबार के करने के चक्कर में इसका उत्पादन कराते हैं और कई जगह पे जहाँ पे पुलिस का पहुँचना संभव नहीं हो पाता, वैसे एरिया में ये लोग जगह का चयन करते हैं। तो पुलिस को सूचना मिली है, उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की गई है और इसको इसके बारे में पता लगाया गया और इसको नष्ट कराया जाएगा और आगे जो भी इस तरीके के कारोबार में लिप्त होंगे सभी को चिन्हित करके उनको सजा दिलाई जाएगी। बहुत बहुत। इस मामले के सामने आने के बाद पूरे इलाके में इसी की चर्चा है। फिलहाल पुलिस ने अफीम की उत्पादन में संलिप्त लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर कब तक कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट।